ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉन साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट, और देख लेते हैं कि कैप्रिकॉन के लिए आने वाला हफ्ता यानी कि मार्च 1 से लेकर 7 आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। सो ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं फॉर द कमिंग वीक, क्या रहने वाली है। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे कुछ इमोशनल या फाइनेंशियल ऐसा लग रहा है, कुछ बैगेज है। यू आर ट्राइंग टू कवर इट, यू आर ट्राइंग टू रिकवर, किसी चीज़ से रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा लगता है। किसी की बुरी नज़र है और आप उसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ऑफ कोर्स, ठीक है। यू आर फाइंडिंग वेज, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इट्स अबाउट हीलिंग योर सेल्फ, खुद को हील करना। अब वो कैसे हो सकता है, एंजल्स कह रहे हैं कि खुद को हील कीजिए, कनेक्ट कीजिए विद योर सेल्फ। हील कैसे कर सकते हैं, बाय कनेक्टिंग विद योर सेल्फ ओनली, पर्सनल डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो यस ऑफ कोर्स नंबर 7 7 प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, तो ऑफ कोर्स आपके एंजल्स आपके साथ हैं और वो आपको मदद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक नया दरवाजा ऐसा लग रहा है खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, न्यू डोर्स और न्यू वेज, कोई नया तरीका या हो सकता है कुछ है जो आपको उस चीज तक, यू नो, या तो आप अपने आप को लिमिट कर रहे हैं, आप अपने आप को पीछे पीछे रख रहे हैं किसी चीज में, एंड एंजल्स आर सेइंग कि आप आगे बढ़िए, ठीक है, डोंट, मतलब अपने आप को उस सेफ स्पेस में बांध के मत रखिए, मूव ऑन और आगे बढ़िए, मूव अहेड, ठीक है। और जो चाहते हैं अपनी लाइफ में वो कीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। द गार्डन एंड द गेट का भी कार्ड आ रहा है, इसका मतलब ये है कि होल्डिंग, आप खुद को होल्ड बैक करना किसी चीज़ को, किसी चीज़ की वजह से। सो डोंट होल्ड योर सेल्फ बैक कि अपने आप को उस दायरे में सीमित रखना, नहीं मैं ऐसा करूँगी तो ऐसा हो जाएगा, या ट्राई नहीं करना, कोशिश नहीं करना, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। अब चलिए आगे देख लेते हैं, व्हाट एल्स एंजल्स आर सेइंग कि आगे और क्या हो सकता है, लेट्स फाइंड आउट। चाहे रिलेशनशिप हो या करियर हो, ट्रैवल का कार्ड आ रहा है, सो यस यू मे ट्रैवल समवेयर। सरप्राइज का कार्ड आ रहा है, ट्रैवल, सरप्राइज एंड प्लानिंग। तो नाउ इज द टाइम, एंजल्स कह रहे हैं कि एक अच्छा टाइम है, आप यू नो प्लान आउट कर सकते हैं चीजों को, और यू कैन ले अ फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब है कि जैसे आप ईंट पत्थर से घर बनाते हैं, तो ऑफ कोर्स वो बुनियाद जो होती है, तो वो अब वो चीज का टाइम है, ठीक है। नाउ इज द टाइम टू ले द फाउंडेशन फॉर योर फ्यूचर फाइनेंशियल गेम्स, आगे चल के होंगे। अगर आपको इस चीज़ को सोच सोच के परेशानी हो रही है, तो फाइनेंशियल गेम्स होंगे, ट्रैवल, आगे लॉन्ग डिस्टेंस, या तो कम्युनिकेशन कोई हो सकती है जो आपके लिए रास्ते खोल सकती है, या कोई बात हो सकती है, ये प्यार को लेके भी हो सकती है, ठीक है। करियर एडवांसमेंट के लिए नए रास्ते खुल रहे हैं, सरप्राइज, जो भी डिसअपॉइंटमेंट है वो सरप्राइज में बदलेगी, एंड यू मे फील हैप्पी। इनविटेशन कोई मिल सकता है आपको, अ प्लेजेंट सरप्राइज, और ब्रिंगिंग लव, अगर आप चाह रहे हैं, अगर आप अपनी लाइफ में यू नो यू आर सर्चिंग फॉर लव, तो प्यार आपकी तलाश है आपको, तो वो तलाश जो है वो पूरी हो सकती है। चलिए रिलेशनशिप सेक्टर की अगर बात करें, स्पेशली सिचुएशन क्या है और आगे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो सिचुएशन अभी क्या है कैप्रिकॉन के लिए। अगेन जो भी है, आई थिंक इट्स वेरी अनक्लियर, मुझे लगता है कि अनक्लियर है, बहुत कुछ हिडन है, सस्पिशियस है। हो सकता है कि कोई आपको कुछ बता नहीं रहा है, कोई क्लियर नहीं कर रहा है, बहुत सारे डाउट्स है यहाँ पे, ऐसी सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है। और अब देखते हैं आगे, वेयर इज दिस हेडिंग, किस तरफ बढ़ रहा है। आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। तो यस, ये पर्सन आपको मिस तो करते हैं, ठीक है, बट साइलेंट है, मिस करते हैं लेकिन साइलेंट है, कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही, कोई स्टेप फॉरवर्ड नहीं इस पर्सन की तरफ से मुझे दिखाई दे रहा। ये क्या चाहते हैं ये पर्सन, दे वॉन्ट टू फाइट फॉर दिस कनेक्शन चाहते हैं, बट ऑफकोर्स मैंने आपको बोला ना, एक स्ट्रगल है इस कनेक्शन में, वो फाइट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए ऐसा लगता है। बहुत ज्यादा
सस्पिशियस एनर्जी दिखाई दे रही है. सस्पिशियस इन द सेंस कि बहुत कुछ होल्ड करते हैं अपने मन में, क्लियर नहीं करते, यू नो, डाउट्स एंड ऑल दैट. इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आपकी तरफ? आई थिंक इट्स अबाउट स्पेंडिंग टाइम. मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बिजी भी है ये पर्सन अपने काम में, यू नो, फाइनेंसेस, जॉब, ये वो बहुत ज़्यादा अपने काम को लेके बिजी है, बट स्टिल कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को चाह रहे हैं. 7-7 एनर्जी आ रही है, और हो भी ये भी सकता है कि आप लोगों का कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो. यू मे फील दैट लॉट इज गोइंग. मुझे लगता है बहुत कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में. मे बी नॉट अबाउट, नॉट ओनली अबाउट ऑप्शंस, बट आई डोंट नो, कुछ बहुत चल रहा है उनकी लाइफ में. हाँ, कुछ के लिए ऑप्शंस भी हो सकते हैं कि इस पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस है, या तो ये पर्सन मैरिड है, ठीक है, या फिर हो सकता है कि अपनी लाइफ में कुछ बहुत लाइक कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ चाह रहे हैं, ऐसी वाली एनर्जी है, इसलिए टाइम ले रहे हैं बहुत ज़्यादा होल. तो अब ये रिलेशनशिप किस और बढ़ रहा है, वाओ. सो अच्छी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, इसका मतलब है कि आपको टाइम देना चाहिए. कैप्रिकॉन, यू नीड टू गिव इट अ लिटिल टाइम, डोंट अवॉइड इट. मैं ये कहूँगी कि थोड़ा टाइम दीजिए, ठीक है. ये पर्सन किसी चीज़ में उलझे हुए हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन दिखाई दे रही है, बट अब गुड, द गुड थिंग इज, अच्छी बात ये है कि वो चाहते हैं स्टेप फॉरवर्ड करना. अब वो टाइम अभी हो सकता है अभी सही नहीं हो, बट आगे चल के पोटेंशियल है. 10 of Cups एनर्जी आ रही है. तो जो भी है आपके पार्टनर, चाहे या आपके यू नो हस्बैंड, वाइफ, फियांसे, कोई भी है, तो पोटेंशियल है. अब सिंगल्स के लिए, जो लोग टोटली सिंगल है, उनके लिए, सिंगल्स के लिए आई थिंक इट्स अबाउट सडन कहीं बात हो सकती है. सडनली कहीं, यू नो, यू मे फील ड्रॉन. आप कनेक्ट कर सकते हैं किसी से, बात करना चाहें, या कोई, यू नो, किसी के थ्रू कोई बात हो सकती है आपकी. ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, और आप, हो सकता है कि आप आगे बढ़ना चाहें रिलेशनशिप में, ये एनर्जी दिखाई दे रही है. चलिए, करियर की अगर मैं बात करूँ कि करियर वाइज क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. करियर वाइज अगेन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी जो स्टक एनर्जी है वो हो सकता है कि क्लियर हो. जो भी इश्यूज आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं, आई थिंक इट्स अबाउट, यस, मुझे लगता है कि कुछ चल रहा है, कुछ, यू नो, बैक ऑफ द पेज हो सकता है अभी नहीं, लाइक आप अभी देख नहीं पा रहे हैं, बट जो भी है, जो आपके जो एंजल्स हैं, यू नो, दे आर हेल्पिंग यू आउट. बट शायद हो सकता है आपको वो चीज़ अभी ना दिखाई दे रही, और देयर इज समथिंग लाइक गॉड, यू नो, भगवान आपके लिए कुछ रास्ते बना रहे हैं, और चैलेंजेस फेस करने के लिए आपको रेडी कर रहे हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी. बस ये है कि कुछ चीज़ है जो आपको शायद अभी दिख नहीं रही है, कैप्रिकॉन, बट यस, भगवान आपको रेडी कर रहे हैं, बस ये मान के चलिए. कुछ स्टक एनर्जी है जो क्लियर हो सकती है, ऑफकोर्स, और आप आगे बढ़ेंगे एंड यू विल अचीव अ लॉट. और बिकॉज यस, एक एक आई डोंट नो, इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी, इट्स, यू नो, टू गुड टू बी ट्रू. मतलब एक बिग अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है. मैं भूल जाती हूँ बात करते करते, दोबारा से फिर इंग्लिश में आ जाती हूँ, हिंदी में बात करेंगे, क्लियर स्पष्ट भाषा में बात करेंगे कि येस, कोई अपॉर्चुनिटी है जो भगवान आपको रेडी कर रहे हैं, जो आप अभी नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन ये प्रिपरेशन हो सकता है कि भगवान आपको रेडी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि भाई तैयार हो जाओ, आगे टाइम अच्छा आने वाला है. ये कोई डील हो सकती है, ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी हो सकती है. ये हो सकता है कि आप, यू नो, आपकी सोच से कुछ बहुत अच्छा, कुछ बहुत पॉजिटिव, ठीक है ना, तो तैयार हो जाइए अपने, गेयर अप फॉर दैट, बी रेडी फॉर दैट, ठीक है ना. कैप्रिकॉन, यू नीड टू, यू नो, पार्टिसिपेट, आपको पार्टिसिपेट करने की जरूरत है. विद वॉट? विद द डिवाइन, जो डिवाइन ने आपके लिए प्लान कर रखा है. तो दैट मीन्स कि अगर कुछ भी ऐसा लग रहा है ना कि एंड हो गया, फिनिश हो गया है, या उस तरीके से नहीं चल रहा जिस तरीके से आप सोच रहे थे, डोंट वरी, एंजल्स आर सेइंग एंडिंग्स आर बिगनिंग. अगर कोई चीज़ एंड हुई है तो वो बिगिन होगी, ठीक है ना. अगर जैसे रात को हम कहते हैं ना कि अरे अंधेरा हो गया, सूरज डूब गया, तो सूरज डूबता है तभी तो, यू नो, सुबह फिर उजाला होता है, फिर उगता है, तो रोज़ नया सूरज उगता है. तो उस चीज़ को मान के चलिए कि आपकी लाइफ में भी वो उजाला होने वाला है. दैट काइंड ऑफ एनर्जी, ब्यूटिफुल एनर्जी वी आर गेटिंग. अब हम देख लेंगे कि एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, वो क्या आपको कहना चाहते हैं, कि व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन एनर्जी वाइज, व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन. ट्रस्ट, ट्रस्ट कीजिए, एंजल्स कह रहे हैं प्लीज ट्रस्ट कीजिए.
आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी. तो एंजल्स ये कहना चाह रहे हैं कि अपनी जो अंतर आत्मा की आवाज़ को सुनिए और पहचानिए. क्यों? इट विल ऑलवेज गाइड यू करेक्टली. वो आपको हमेशा सही रास्ते पे लेके जाएगी. और चेंज, आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट. लाइफ में अगर मूवमेंट ना हो तो लाइफ का क्या होगा? कभी इमेजिन किया है आपने कि लाइफ में अगर कोई मूवमेंट नहीं हो तो क्या होगा? आपको सेफ स्पेस, आपको स्पेस की आदत पड़ गई है, ठीक है, लेकिन आपके ड्रीम्स बहुत बहुत कुछ आप अचीव करना चाहते हैं. तो अगर मूवमेंट नहीं होगी, अगर चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो फिर चेंज आएगा कैसे? यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड विद फेथ, ट्रस्ट के साथ. सो दिस इज योर ब्यूटिफुल रीडिंग कैप्रिकॉर्न. देर आए दुरुस्त आए. और आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसी लगी. और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर.